गाइस आप लोगों का स्वागत है एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। ये है हेपका के इस बार के सीडलिंग से तैयार किए हुए पर बह गया है। ये रेड कैप हेपका और मैम स्टार दोस्तों, आज के व्लॉग में आज हम जाने वाले हैं यहाँ से काफ़ी दूर नीचे क्यार, क्योंकि बहुत दूर है जहाँ पर वो मेला लगा था उससे भी मतलब नीचे है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। तो दोस्तों वहाँ पर है सेब के कुछ पौधे, तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर काम करने। अभी सुबह के 5 से ऊपर टाइम हो गया और हमने लंच वगैरह भी डाल दिया है और चल पड़े हैं हम। अभी मैं हूँ यहाँ से, अभी भैया है और एक और भैया है, तो हम तीन होंगे। तो अभी ना सुबह सुबह काफ़ी मतलब ठंडा ठंडा मौसम है, एक तो मैं भी बस जस्ट नहा कर भी आया हूँ, इस वजह से भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो दिन को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना नीचे, बहुत ज़्यादा। आज तो सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो गए प्रधान जी हैं। दोस्तों ये है सोबली गांव, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी पुराना गांव है। दोस्तों ये था सोबली गांव, जो कि बहुत पुराना गांव है और काफ़ी मतलब कि खूबसूरत है। पहुंच गए फाइनली सड़क में। प्रधान जी अपना टैलेंट दिखाते हुए, यहां पर देख सकते हो आप इनका टैलेंट। प्रधान जी इधर देखो क्या मस्त लग रहे। तो दोस्तों ये है सोबली से नीचे दोगरी गांव। यार ठीक है, वैसे हिंदी में क्या बोलते भैया इसको, वैसे पानी निकलता बॉडी पानी की बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पर है एक पानी की बावड़ी, यहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ कुछ ऐसा क्या है, ये कहाँ से आ रहा है अंदर से आवाज, क्या होगा कुछ अंदर अंदर कुछ होगा, कौन चिड़िया चुड़िया का घोंसला, चिड़िया का बच्चा जो कर रहा है। हाँ यार रेस्ट करो बैठो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर क्यार। हम सुबह चले थे 5 बजे और अभी यहाँ पर बज गए हैं 6:49, लगभग 2 घंटे के करीब करीब हमारे को लगा और फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। और ये यह है यहाँ पर छोटा सा बगीचा और पार आपको धूप दिख रही होगी, इस तरह से धूप निकलेगी जो कि अभी नहीं निकली है। तो ये है हेपका के इस बार के सीडलिंग से तैयार किए हुए 7000 से 9000 तक हाइट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इधर ये है दूसरा बेड और गाइस ये है अर्ली रेड वन, ये भी टोटल सीडलिंग पर है, काम सारा कुछ यहीं पर उगाया गया है सीडलिंग पे। और ये भी 7000 से लेकर 9000 तक की हाइट के लिए परफेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अर्ली रेड वन जो कि सीडलिंग पर, हाँ 2-2.5 फुट की ग्रोथ हो चुकी है। और परे वाला हेपका का वो भी सीडलिंग पर उगाया गया है। ये रेड कैप हेपका और मैम स्टार, ये यहाँ पर वैरायटी है। यहाँ पर भैया जी नर्सरी में स्प्रे कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से नहर खोल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर देखो किस तरह से सिंचाई हो रही है सेब के पौधे की।
यहाँ देखो तो मैं डूब जाऊंगा आज, मोबाइल लेके मैं फालतू का आ गया बीच में। पानी देखो कितना है यहाँ पर, यहाँ से नहीं जाए जा रहा है। काफी मतलब कि मस्त वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन डर भी लग रहा है। आ गया और मेरे को ये आगे धकेल रहा है। मैंने वहाँ जाकर बैठना था, वहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर मेरे गले तक आ जाएगा शायद पानी। यहाँ पर आप बहाव देख सकते हो पानी का, इतना तेज है। लोगों को इसमें डर लगता है और मेरे को सुकून मिलता है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो अभी मेरी कमर तक पानी है और यहाँ से कितना तेज बहाव आ रहा है पीछे से। जोर लगा के आहिस्ता, जोर लगा के आहिस्ता, उल्टी नदी तैर रहा हूँ भाई। जोर लगा के आहिस्ता,